रहे हैं दर्पण और मैं हूं नसरीन जेम्स एंडरसन और रविंद्र जडेजा जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हैं उन दोनों के बीच घटी घटना को लेकर एजुकेटे एजुकेटेटर की घोषणा जो कि आईसीसी को होने वाली है लेकिन इसी बीच रविंद्र जडेजा पर शायद बैन भी लग सकता है दो टेस्ट मैचों का लेवल टू के लिए उन पर यह आरोप लगाया गया है दोनों ही ओर यहां पर खिंचाव का माहौल बन गया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे लगा क्रिकेट पर दा इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मिस्त्री अशोक जी स्वागत है आपका हमारे शो में तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले बताइए लेवल लेवल टू की जो व्याख्या है उसे किस तरह से हम समझेंगे देखिए लेवल टू का जो आरोप यहाँ पर तय हुआ है रविंद्र जाडेजा के ऊपर वो थ्री से थोड़ा कम है यानी कि जो सज़ा थ्री में होती है उससे कम सज़ा होती है और ये जो पूरा मामला है बिल्कुल वो मैदानी व्यवस्था जो संभालते हैं रेफरी और उनके आसपास के लोग उनके हाथ में ये होता है कि किस तरह से इसमें आगे सजा दी जाए और जहाँ तक कि इसमें फ़ाइन करने का यह सवाल है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टेस्ट मैच का इसमें बैन लग सकता है जो कि लेवल थ्री की जहाँ तक बात है जो कि एंडरसन के ऊपर हमने लगाया है लगा है तो वो ऐसा है कि उसमें दो से तीन चार टेस्ट मैच तक भी बांध रख सकता है और उसके साथ साथ वनडे के ऊपर भी बांध रख सकता है तो करीब करीब देखें तो यहाँ पर दोनों ही देशों को कोई ना कोई नुकसान तो झेलना पड़ेगा अगर एंडरसन के ऊपर कलूट के बांध लगता है तो वो दो टेस्ट मैच यानी कि पंद्रह दिन में रिपोर्ट देनी होती है तो कम से कम अगर देखें कि पंद्रह दिन में हम दो टेस्ट मैच तो शायद निकल जाएंगे लेकिन आखिरी दो टेस्ट मैच जो कि बहुत ही क्रिटिकल और क्रुशल है उसके अंदर कहीं ना कहीं एंडरसन नहीं खेल पाएंगे या तो जड़ेजा तीसरा में शायद, लेकिन पर जो लेवल टू के उसे गाली गलोच में ये आरोप लगता है क्योंकि ये तो नॉर्मली होता रहता है गाली गलोच क्रिकेटर्स एक दूसरे पर करते रहते हैं या फिर अगर हाथ उठा लिया किसी क्रिकेटर ने किसी क्रिकेटर पर उस लगता है लेवल टू को आखिर हम समझेंगे किस तरीके से देखिए लेवल टू का जो ये है यानी कि जब भी ये झगड़ा हुआ जब भी ये बात हुई जब भी यह वारदात हुई जब भी ये दोनों के एंडरसन और जडेजा के बीच में मैदान के ऊपर से बातें सब चली आती थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन जबकि जैसे जैसे आगे बढ़े तो एंडरसन ने कुछ कहा उसके सामने जडेजा ने कुछ रिएक्ट किया क्योंकि जब भी कभी कोई झगड़ा होता है तो इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं तो कल ही जैसे कि पहले आई के वकील सीधे वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि दोनों साथ में बैठो और इस बात को ये कर दो कि कुछ ज़्यादा उसमें ये ना हो लेकिन जब महेंद्रा सिंह धोनी ने कहा कि नहीं ये तो कम से कम हमारे समान का सवाल है सम्मान का सवाल है हम इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते और हम इस लेवल के ऊपर कोई भी है ना समझौता करना नहीं चाहते दोनों ही पक्ष से जब ये हुआ कि भाई अभी भारत झुकने वाला नहीं है तो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा कि भाई हम भी तो जड़े जगह ऊपर चार्ज लगा सकते हैं तो इसके तहत उन्होंने भी ये कर दिया और जो कि जिसके ऊपर अभी ये होगा उसके बाद थोड़ी जाँच होगी और उसके बाद उसके ऊपर भी शायद बैन लग सकता है लेकिन अशोक जी ऐसी नौबत क्यों आ जाती है हमने पिछले अगर हम इतिहास में क्रिकेट के इतिहास में देखें तो क्रिकेट पर हमेशा दाग लगा और इस तरह की जो बातें होती है हमारे हिंदुस्तान की जो इंडियन टीम है क्रिकेट की उस पर भी एक बद्दुमा दाग लग जाता है क्रिकेट एक दागी खेल होता साबित यहाँ पर नजर आ रहा है कभी ले लो आप आई में स्पॉट फिक्सिंग की बात ले लो या फिर मैच फिक्सिंग की बात ले लो आप पैसे लेने की बात ले लो कुछ भी करो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्रिकेट सामने आ जाता है कोई और खेल से ज्यादा बदनाम हो रहा है है दिन ब दिन क्यों हो रहा है ऐसा नहीं ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट की आपने जो बात की तो बाकी खेलों के ऊपर आज से ही नहीं करीब करीब 80 साल पहले फुटबॉल और ये सब मैचेस भी फिक्स हुए थे और कई चीज़ें सामने आई है लेकिन आपने जो कहा कि इस वक्त जो परिवर्तन का दौर चल रहा है यानी कि 2020 और फिफ्टी फिफ्टी का क्रिकेट है तो ज़्यादातर ज़्यादातर जो है एक जोश में एक होश के साथ खेला जाता है ना यू हैव टू हैव दैट यू नो पैशन यू हैव टू हैव दैट एग्रेशन अगर आपके फास्ट बॉलर हो अगर आप में एग्रेशन नहीं है आप अगर बल्लेबाज के आँखों में आँखें ताकि अगर देखोगे नहीं डराओगे नहीं उसको आ, तो वो चलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो एग्रेसिव क्रिकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है आपको याद होगा कि बॉडी लाइन की एक पूरी सीरीज चली थी जहां तक कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर दिया था तो ये सब चीज़ें बहुत सालों से चलती आती है और ये जब बढ़ जाती है अभी क्या मामला है पहले टेस्ट मैच था पाँच दिनों का ये खेल था अब जैसे जैसे कद छोटा होता गया है एग्रेशन बढ़ता गया है एग्रेशन से क्या होता है कि आप बल्लेबाज को डिस्ट्रैक्ट करके उसका विकेट लेने में सफल सफलता पाते हो तो हर एक यही कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी आपने देखा कि स्लैजिंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है आप दो स्लीप एक गली एक बैकवर्ड पॉइंट सब जगह पर है और एक दूसरे के साथ बातें करेंगे और बल्लेबाज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे ये जब तक सहन कर सकता है बल्लेबाज जब तक वो ये सोच सकता है कि हाँ इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिकेट तब तक के ठीक है लेकिन पर्सनलाइज मैटर होती है जब कभी देश के ऊपर बात होती है जब कभी किसी की आ, किस कास्ट का है किस क्रीड का है किस कलर का है इस तरह की जब बातें होती है और ये रहा है कि अंग्रेज पहले यहाँ पर शासन करते तो शायद ये कहीं ना कहीं ये मनोदशा उनकी ये हो कि भाई भारत वाले हैं तो ब, दे आर टेकिंग देम ग्रांटेड तो ये कहीं कही ना कहीं धोनी ने जताने की कोशिश की है कि भाई हमको आप इस तरह से नहीं कर सकते हम एक बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिकेटर्स हैं और हमें वही सब चाहिए जो क्रिकेट का सम्मान आप सबको मिलता है एक्चुअली मैटर उस वक्त ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने अगर हमको ये रेसिस्ट किया तो जो कुछ भी उसने गाली थी वो क्यों वाई एंड वाई यू आर पुशिंग तो ये दो चीज़ों से हालांकि बातें बोलने में आपने जैसे सही कहा कि जब मैदान के ऊपर होता है तो घटना बनती है आपने देखा होगा कि जावेद मियाजात को मंकी की तरह कूदते हुए मैदान के ऊपर कहीं भा, भा, हमेशा नयन मोंगिया आई घो करके बल्लेबाज को डिस्टर्ब करते हुए कई बार देखा हो कई बार किरण मोरे को हमने इस तरह की चीज़ें करते हुए देखा तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज इसी अंदाज से चले क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज का ध्यान आकर्षित करके उसका विकेट लेने की कोशिश की अंदर ये सब गिना जाता है लेकिन जब ये चीजें बढ़ जाती है जबकि वो दायरे में आ जाती है जो व्याख्या है वो व्याख्या के दायरे में जब चीजें आती है तब जाके कही न कहीं ना कहीं ये पेनल्टी की बात आती है ना जी तो हम जडेजा की बात करें उसके सामने एंडरसन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की ओर से पहले जडेजा पर इस तरह के आरोप लगे लेवल टू को भंग करने के आरोप लगे उनके लेवल टू के उल्लंघन के आरोप लगे इंग्लैंड की कुछ मनमानी यहां पर नजर आ रही है नहीं देखिए यहां दो चीज है कि एक्शन का रिएक्शन तो होना है जी। कोई भी इस दुनिया में इंग्लैंड की टीम भी ये तो सहन करने के मूड में नहीं है कि जो भारत ने कहा वो हमने स्वीकार कर लें इसका मतलब है कि तुमने गुनाह किया एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट तो काउंटर अटैक तो होगा ही होगा वहाँ का भी क्रिकेट बोर्ड उतना ही सह, सही है उतना ही बड़ा है जितना हमारा है हम वहाँ पर गए हैं हम वहाँ पर खेलने के लिए गए हैं तो हर कोई चीज़ों को ये रखते हुए दोनों ही जो बोर्ड है वो खींचा तो होगी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से स्टैंड लेके बोला कि नहीं भाई हमें करना है तो सामने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी यही किया आई आई मीन इट इज़ गुड अभी क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट के दायरे में ये सब चीज़ें आ गई कि किस तरह से दोनों को न्याय कहा मिले और किस तरह से ये जताया जाए कि किसने कितना गंभीर गुनाह किया है अगर गंभीर गुनाह किया है अगर उसमें दोषी पाते हैं तो उसको दो टेस्ट मैच और चार वनडे और ये सब जो सीरीज़ ऑफ जो उसकी ये है वो मिलेगी अगर नहीं पाते तो ठीक है वो बात वहां पर ये हो जाएगी। तो अब ये देखना है कि किस तरह से जो चालीस लेवल थ्री कैंडलसन के ऊपर के जी तो आरोप तो प्रूव हो, होते रहेंगे जिस किसी के भी लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी यहाँ पर कि सजा अगर हम देखें तो एक टेस्ट या फिर दो वनडे में उन्हें उन पर बैन लग सकता है तो

जैसे ही जांच खत्म हो गई और जांच ने यह कहा कि हाँ भाई ये आदमी दोषी है तो आफ्टर दे there, वो लग जाएगा और तो यहाँ क्या है पंद्रह दिन का समय है तो पंद्रह दिन के समय में कम से कम दो टेस्ट मैच शायद हम खेल पाएंगे वो दो टेस्ट मैच अगर खत्म होते हैं तो उसके बाद की जो टेस्ट मैच आएगी उसमें बैन लग सकता है इंडियन क्रिकेट टीम की तो इससे पहले भज्जी पर भी हरभजन सिंह पर भी इसी तरह के कुछ आरोप लगते लगते रह गए और उन्हें बैन करते करते शायद उन्हें वापस से वो जो निर्णय जो लेने वाले थे उनके ऊपर वो खींच लिया गया था क्या वजह हो सकती है ऐसे क्या ऐसे चांसेस अभी जड़ेजा आ, पर भी हैं देखिए हम ये कह एंडरसन के ऊपर भी है अच्छा देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज आप कहते हैं आपका देखने का नजरिया ये है जहाँ पर सही में कोई वीडियो या तो कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप साबित कर सको कि आदमी गुनहगार है या नहीं है उस वक्त आपको जो पर्सनल वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उसके उसको पूछ के जजमेंट देना होता है उसमें जब पूछ के आप जजमेंट देते हो तो निश्चित रूप से कोई कह सकता है कि साहब ये तो ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस तो कहीं ना कहीं हम ये जताने में सफल हुए कि जो जिस तरह से भज्जी के ऊपर के ऊपर बैन लगा था वो सही नहीं था यह कहने में कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट बोर्ड सफल हुआ और ये आरोप जो थे वो ये कर दिया एक बार हर, जब जहिर खान खेल रहे थे तो जलीबिन करके एक चीज हुई थी कि छोटी छोटी जो पिपरमेंट की जैसे ये होती है वो उनके क्रीज के आसपास डाल दी गई थी इंग्लैंड के दौरे की बात है नोटिंग हम ये टेस्ट मैच हो रहा था तो ये सब चीजें बनती है घटनाएं बनती है लेकिन घटनाएं जब उग्र स्वरूप लेती है यानी कि किसी के पर्सनलाइज इसके ऊपर आती है तब जाके कहीं ना कहीं ये होता है अदरवाइज स्लेजिंग होता है बात करते हैं बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं डराते हैं डराने की कोशिश करते हैं बाउंसर फेंकते हैं ये सब चीजें होती है लेकिन जब कभी क्योंकि इसीलिए क्योंकि जैसे लोगों ने जाना है कि ये जो पूरा मैच है वो एक जज्बात से खेला जाता है पूरा जोश से खेला जाता है इसलिए रूल्स बनाए हैं ताकि खिलाड़ियों को काबू में रख सके लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जैसे ज़माना बदलता है जैसे 50 साठ ओवर का मैच चाहे पचास का उसके बाद 20 का हुआ जिस तरह से कद छोटा होता जाता है लोगों की जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा प्रज्वलित होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं हम देख पाते हैं अशोक जी आईसीसी नियमों के अनुसार अगर वर्तमान आचार संहिता के पैनल सदस्यों की हम बात करें तो एक एजुकेटर होना चाहिए एक एजुडिकेटर में से अगर दोनों ही टीम के एजुकेटर हैं तो उन्हें शायद नहीं माना जाएगा जिस तरह से अगर हम बात करें कि अध्यक्ष अभी जो फिलहाल हैं वो हैं माइकल बेलॉफ है सर ओलिवर ऑलिवेल है और न्यायमूर्ति है गुलाम वाहनवती ये तीन हैं जिसमें से दो जो नाम है वो इंग्लैंड के हैं और एक है वो भारत का है तो इनमें से कोई एडजुडिकेटर नहीं मिल पाएगा नहीं देर इज अ लिस्ट इज अ बिग लिस्ट ऑफ एडजुडिकेटर वहाँ से उनको सिलेक्ट करना है तो तो ठीक है वो दैट इज ए डिसन के किस तरह से किसको जवाबदारी जिम्मेदारी जहाँ देते हैं तो वो तो सही बात बात है कि किस तरह से वो तपास करते हैं किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि कोई वीडियो फुटेज नहीं है जब वीडियो फुटेज नहीं है आपके पास तो आपको ये भरोसा आपको जो मीन्स के जिसके ऊपर ये रखना है भरोसा वो है लोग जो आसपास में जाते थे या तो किसी ने देखा या किसी ने नहीं तो यहाँ पर भारत के पास तो दो लोग हैं कि जिन्होंने ये देखा है और ये घटना घटी है अब इंग्लैंड कहता है कि भाई हमारे पास भी एक आदमी है कि जिसने देखा है कि हमारे पास ऐसी कोई घटना नहीं घटी तो कहीं ना कहीं ये तो यू नो इप्स एंड बर्ड्स है लेकिन जब वो तथ्यों को सामने रखेंगे और जब ये जू के उसको ये करेगा तब पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है अगर गलत है और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है मेरा ये कहना ऐसा है कि इतने इतने टेस्ट मैच खेलते हो आप इतनी वनडे खेलते हो इतनी ट्वेंटी ट्वेंटी खेलते हो इतना सारा क्रिकेट खेलता है कहीं कोई घटना इस तरह की घटे हाँ ये जरूर है कि जो कोई काला है या गोरा है या तो ऐसा इस तरह की जो कमेंट्स है उसको अवॉइड करनी चाहिए अदरवाइज़ ये जो एग्रेशन है एग्रेशन तो गेम में होना चाहिए अगर एग्रेशन नहीं है तो गेम खेलने का कोई मजा नहीं अगर फास्ट बॉलर वो एकदम हंसते हंसते बॉलिंग करेगा तो मतलब नहीं है वो ईशान शर्मा वो उसके बाल जो इधर उधर करेगा और सामने के बल्लेबाज को डिस्ट्रैक्ट करेगा तभी जाके तो ये एग्रेशन आता है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दी गेम आई मीन यू इट कैनॉट बी यू नो उसको अलग नहीं कर सकते लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है आपकी जो वाणी है आपका जो बोलना है वो कहीं ना कहीं संयमित होना बहुत ही जरूरी है जबकि आप मैदान के ऊपर उतरते हैं तो अशोक जी ये जो आ, हमारे जो व्यवहार है और हमारी जो आचार संहिता का उल्लंघन ना हो हमारे व्यवहार में एक सभ्यता है वो सभ्यता लाने की बहुत कोशिश की गई है लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है अब किस चीज की कमी रह गई है हमें क्या करना चाहिए आईसीसी को क्या करना चाहिए इसके लिए ऐसे कौन से कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह के केसेस ना हो देखिए एक बात तो सही है कि जब 11 खिलाड़ी मैदान के ऊपर था ये देखना तो बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी गाली बोलेगा या तो क्या कुछ करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन जब भी कभी ऐसे मामले नज़र के सामने आते हैं तो ऐसे को इंश्योर करना चाहिए कि कड़ी में कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसा एक एग्ज़ाम्पल बिठाया जाए कि अगर कोई भी कितना भी बड़ा कितने को कौन से भी देश का अगर कोई क्रिकेटर है अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो उसको जरूर सज़ा मिलेगी अगर आप ये एस्टाब्लिश कर सकते हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे देश जो क्रिकेटर खेलते हैं जिम्बॉम्बे भी खेलता है बांग्लादेश भी खेलता है श्रीलंका भी खेलता है भारत भी खेलता है ये सभी के खिलाड़ी जो है कहीं ना कहीं ऐसे शिकार बने हैं कभी लेकिन ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि वो इतना लो प्रोफाइल है तो इस तरह की बातें टेक टेक इट ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए और इसी इसी से आईसीसी के जो नियम है और सभी को एक समान गिरने की जो बात उसमें कही गई आई थिंक जो उसका स्पिरिट ऑफ़ द गेम है वो स्पिरिट ऑफ़ द गेम ऐसा है कि जिसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जिसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए अगर इस तरह की बातें आई अपने कानूनों से और कानून को लागू करने से ये ये कर सकता है इस्टब्लिश करेगा तो आई थिंक ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएगी लेकिन एक बात तो ज़रूर है ये बंद होने वाली चीज़ नहीं है जी। जी क्योंकि हमने पिछले सालों से कोशिश लगातार है आईसीसी की कई सारे कानून भी इसके लिए बने हुए हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है लेकिन उसको अमल में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरह से भेदभाव अगर हम रंग को लेकर कहें तो इंग्लैंड की ओर से कई सारी बार इस तरह की शिकायत आई है कि इंग्लैंड की जो टीम इंग्लैंड टीम है इंग्लैंड क्रिकेट टीम वो उसका ना कि सिर्फ भारत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ या फिर बांग्लादेश या अगर हम बात कर ले श्रीलंका की हम बात कर ले जिस तरह से आपने कहा सभी क्रिकेट टीम के साथ सबसे ज्यादा अगर विवाद खड़े हुए हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खड़े हुए हैं देखिए बात ऐसी है कि क्रिकेट शुरू हुआ इंग्लैंड से जी और इंग्लैंड का एक यमाना था कि पूरी दुनिया के ऊपर उनका राज चलता था जी ये कहीं ना कहीं कहीं छुपी हुई मानसिक कभी कभी खिलाड़ियों के रूप में भी बाहर आती है उनकी बातों में भी बाहर आती है लेकिन उनको बहुत ही सम्भल समझना चाहिए और संभलना चाहिए कि इस तरह की बातों से अगर वो जो देश है जो बांग्लादेश है या तो पाकिस्तान है या तो भारत है इस तरह के देशों के क्रिकेटर को क्रिकेट को उनकी जो ये है उसको ये नहीं कर सकते वो ख़त्म नहीं कर सकते आप सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ जितनी महानता जो बैट्समैन में है आप देखिए कि कभी इंग्लैंड के क्रिकेटर में अब तक की इतनी महानता देखी नहीं है हमने क्यों क्यों बिकॉज सब लोग जानते हैं कि कैरोगन्स है वहाँ पर जी। और हमारे पास जो है वो धैर्य है आप सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ की बात करें आप कैसी भी परिस्थितियों में वो मुस्कुरा के उनके साथ व्यवहार करते थे आप कैन यू बिलीव इट मैंने सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा था स्लेजिंग ये सब चीज़ें चलती रहती है लेकिन वो अपना सर उठा के सिर्फ थोड़ा सा स्माइल दे देंगे वो सामने वाला स्ट्रेजिंग करना बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं एक बार अगर एग्रेशन है और सामने वाला आदमी अगर धैर्य से काम करता है तो ये सब घटनाएं कम हो सकती है यहाँ हुआ ऐसा है कि रविंद्र जडेजा और एंडरसन दोनों ही आक्रमक थे और जब दोनों आक्रमक होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती तो होनी है तो अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की जिस तरह से आपने कहा सारे ही क्रिकेटर हमारे महान क्रिकेटर हैं धोनी हैं अभी सचिन तेंदुलकर हैं जिनका व्यवहार दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ भी और क्रिकेटर्स के साथ भी बहुत अच्छा रहा है हमारे क्रिकेटर्स तो सब है क्योंकि भारत देश ही एक सभ्यता से भरपूर है हम सब के रगों में हम सब के खून में वो सभ्यता भरी हुई है लेकिन इस सभ्यता का दूसरे देश के जो क्रिकेट टीम है वो गैर फायदा वो गलत फ़ायदा उठाती है तो उसको उसके लिए हमारे क्रिकेटर्स को क्या करना चाहिए हमारे क्रिकेटर्स क्या करें उसके लिए नहीं मैंने अभी जो आपको ये कहा कि भाई किस तरह से हमारा सचिन तेंदुलकर किस तरह से द्रविड़ यू हैव तो टू ड्रॉ ए बिगर लाइन यू नो आप किसी लाइन को काट नहीं सकते आपको उसके नीचे बड़ी लाइन करनी पड़ेगी यानी कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ये बनना होगा कि कैसे भी करके आप उसे अपने पक्ष में रखने में सफल हो पाए और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तभी खत्म हो पाएगी क्योंकि क्योंकि अगर यहाँ पर रविंद्र जडेजा अग्रेसिव थे तो एंडरसन भी सामने अग्रेसिव थे तो यहाँ पर ये बात हुई इंग्लैंड ने ईट का जवाब पत्थर से देने का ये, आ, ये समझा यही समझा ऐसी बात नहीं कह सकते ये तो एक्शन का रिएक्शन तो होना था क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है तो दोनों पक्ष होते हैं एक कहीं किसी एक कि ही खिलाड़ी ने अगर खड़े होकर गाली दे दी होती तो प्रोबेबली एंडरसन ही खुद गुनेगार बन जाता लेकिन कहीं ना कहीं ये ना दोनों पार्टी इन्वॉल्व है और जब दो पार्टी इन्वॉल्व होती है तो जब अगर आप ये कहोगे ये गलत है तो सामने वाला पक्ष ये तो कहेगा कि हाँ भाई हम गलत हैं तो आप भी गलत है क्योंकि दो आदमी दोनों के बीच अगर कुछ होता है तो दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा और ज़्यादा कसूर होता है अब तो ये करना है कि किसका कसूर ज़्यादा है किसका कसूर कम है तो ये तो तय होने के बाद ही पता चलेगा किसका कसूर ज्यादा है और किसका कसूर कम है लेकिन हम अगर बात करें फिर एंडरसन की और क्योंकि इन्हीं पर बात हो रही है इन्हीं पर चर्चा हो रही है तो एंडरसन का जो बिहेवियर था उस वक्त जिस तरह से हमको खबर मिल रही है और जो रिसर्च है हमारी लंच टाइम में ये चीजें हुई है नहीं, तो, ये। लंच टाइम में ये चीजें हुई हैं तो आ, ये तो हम कहते हैं कि क्रिकेट पिच के ग्राउंड पर ये होता है लेकिन लंच टाइम में पर्सनल ग्रज निकाले जा रहे थे इट्स इट्स अ प्रोसेस। ये जो चीज़ें हैं, वो पहले मैदान के ऊपर घटी और वही कंटिन्यूएशन चलती रही जो कि लंच टाइम और इसके बाद भी अब जब ये बात है कि भाई चलो कुछ हो गया है तो ये ज़रूर है कि उन्होंने जो गाली दी जिस तरह जिस तरह से हम लोग अभी तक ये करते आए हैं अगर वो चीज़ गलत है अगर कहीं पुश किया कहीं धक्का मारा तो वो गलत है धोनी ने बहुत ही साफ किया है कि अब तक हमने सहन कर लिया अब हम सहन करना नहीं चाहते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें हमें कोई पुश करके हमें कोई धक्का मार दे हमें कोई गाली दे दे ये अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट बोर्ड आज भी बहुत ही उच्चतम स्थान के ऊपर है भारतीय टीम भी बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स दे चुके कोई हमें ये नहीं रहता है कि हम कहीं किसी से कम है या तो उतरे हुए हैं हम कुछ भी सहन कर लेंगे तो मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी ने जो जताया है कि नहीं हमारे देश का हमारे खिलाड़ियों का जो मान है सम्मान है और गेम के प्रति जो निष्ठा है उसके ऊपर अगर आप कोई बंगुली उठाने की कोशिश करोगे तो हम उसका करारा जवाब देंगे जी तो एंडरसन पर भी वही सजा हो सकती है जो सजा रविंद्र जडेजा पे क्योंकि यहाँ पर आरोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हैं नहीं इनकी जो आप है वो लेवल अलग है तो उसको एक टेस्ट मैच का ये लग सकता है एंडरसन का क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बोला है और उसके बाद आईसीसी ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये चीज़ घटना घटी है और इसमें इन्वेस्टिगेट करने जैसा है तो उनको दो टेस्ट मैच और कुछ वनडे चार तीन या चार वनडे का बैन उनके ऊपर लग सकता है उनका लेवल थोड़ा हाई है लेवल थ्री है जड़े जगह लेवल थोड़ा सा लेवल टू है तो कहीं ना कहीं ये जो है लेकिन ये बात जरूर है कि इंग्लैंड अगर एंडरसन को खोएगा तो भारत को भी जडेजा को एक टेस्ट मैच के लिए खोना तो पड़ेगा तो दोनों ही टीमों को यहाँ पर बराबर का नुकसान है इंग्लैंड को भी है और भारत को भी है तो ये नुकसान ना हो इस वजह से तफ्तीश किस तरह की होनी चाहिए देखिए आपने जिस तरह से पूरी बात को कहा कि भाई इस तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे बाद में उसके बाद ये करें प्रिकॉशन जितने ले सके या तो भारतीय टीम का जो सवाल है जहाँ तक वो प्रिकॉशन लेते ही हैं जब भी कभी ऐसे फील्डर्स होते हैं कि जो ज़्यादा बोलते हैं तो उनको बाउंड्री पे रखते हैं और इस तरह से टेकन केयर तो करते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि रश ऑफ ब्लड तो होने वाला है क्रिकेट चीज़ ऐसे क्योंकि आप जब अपील करते हो अंपायर के सामने तो आपको इतना एग्रेशन लाना पड़ता है आपकी अपील में तब जाके अंपायर के दिलो दिमाग में कुछ आता है और वो आउट देता है वैन आस्किंग फॉर समथिंग वो आस्किंग फॉर समथिंग में हर कोई चीज जाहिर बन जाती है और इसी तरह से ये सब चीजें जो मांगते हैं जो एक बड़ी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आ, कहीं चिल्लाते हैं कहीं स्लेजिंग करते हैं वो सब चीजें इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम लेकिन इतने सालों से होता आया है ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुआ पहले आ, ये बॉडी लाइन बॉलिंग भी हुई कहीं इंग्लैंड ने कुछ किया कहीं ऑस्ट्रेलिया ने इनकी जो बिहेवियर रही वो भी कहीं सही नहीं रही जब वो भारत या तो बांग्लादेश या तो आ, इनके दौरे जब करते हैं तो उनके ग्राउंड्स के बारे में उनके व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लोग कहते हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब चीज़ें होने के बावजूद भी आज भी जो क्रिकेट का स्तर है वो इस तरह से आईसीसी के नियमों के अनुसार अच्छा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा इम्पैक्ट जो आई सी सी रूल्स का है वो हमें देखने को मिलेगा और एंडरसन को कम से कम ये सज़ा मिलेगी ताकि आने वाले भविष्य में कम से कम वो चीज़ के ऊपर किसी के नस्ल के ऊपर किसी के कलर के ऊपर किसी के देश के ऊपर किसी के गौरव के ऊपर इस तरह के कमेंट ना हो लेकिन इससे करियर का भी खतरा है अशोक जी दोनों ही खिलाड़ियों के करियर पर खतरा है दोनों ही खिलाड़ियों के करियर पर कितना नुकसान हो सकता है चलिए अगर अलगरज अगर हम बात करें बैन की अगर दोनों पर ही बैन लग जाता है कुछ टेस्ट मैचों के लिए या कुछ वनडे मैचों के लिए तो दोनों को कितना खतरा है इंग्लैंड को तो है ही हमारी भारतीय टीम को भी खतरा है आप देखिए कि कोई कंटिन्यूस क्रिकेट खेलता है सपोज के जड़ेजा की बात ले लीजिए आप अगर जड़ेजा खेलते हैं कंटिन्यूस उनका ब्रेक आ जाएगा तो उनकी जो कैरियर है वो दो टुकड़ों में बढ़ गई यानी ही हैज़ बिन ब्रोकन एक ये है उनकी जो कंसिस्टेंसी है उनका जो एवरेज है ये सभी चीज़ों के ऊपर असर करती है फाइनेंशियल लॉस तो कह रही है और दूसरी एक ख़ास बात अगर उनको बाहर रख के उनकी जगह पर लिया हुआ खिलाड़ी अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर जाए तो शायद वो टीम में रहे और जड़ेजा हमेशा के लिए बाहर रह जाए मींस ये सब चीज़ें भी बनती है रिप्लेसमेंट जो है वो ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट अगर आपको मिला तो शायद ये हो तो कहीं ना कहीं नुकसान है लेकिन उससे ज़्यादा सीखने वाली बात यह है कि इस तरह सा नुकसान उठाने के पहले जब आप देश का प्रतिनिधित्व करते जब आप बाहर जाते हैं देश के बाहर जाते हैं तो अपनी जो अपनी जो लिमिटेशन्स है उसमें बराबर रहे और उसी के फलस्वरूप आप अपना जो व्यवहार करें तो कहीं ना कहीं देश का भी अच्छा लगेगा इट्स ए, 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 ए जेंटलमैनस गेम कहा जाता है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है अगर जेंटलमैन गेम है तो इस तरह की घटना क्यों फिर भी बनती है लेकिन कहीं ना कहीं के कानून उस बात को देखेगा और जो भी सही फैसला होगा वो हमें देखने को मिलेगा जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ ये चर्चा में जुड़ने के लिए आपका तो यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि इस तरह की बातों से उन खिलाड़ियों के करियर को पर असर तो पड़ती है करियर को नुकसान होता है और अगर करियर को नुकसान होता है तो वो खिलाड़ी की पूरी जिंदगी शायद बर्बाद हो जाती है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है दूसरा रोजगारी का भी कोई ऑप्शन उनके लिए नहीं बचता है क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम माना जाता है जिस तरह से हमारे मेहमान अशोक जी ने कहा था आज लेकिन अब वो जेंटलमैन गेम कब तक रहेगी अगर इस तरह के किस्से अगर हम रोज सुनते रहे तो क्या इसे कोई जेंटलमैन गेम मानेगा एजुडिकेटर की अगर हम बात करें तो एजुडिकेटर की अगर घोषणा की जाती है कि कौन बनेगा एजुकेट एजुडिकेटर तो क्या वो एक सच्ची न्याय पद्धति से किसी क्रिकेटर को न्याय दिला पाएगा अगर क्रिकेटर को एक अच्छे क्रिकेटर को न्याय मिलता है तो वो सीधा सीधा न्याय मिलता है हमारी जेंटलमैन गेम क्रिकेट को नमस्कार